तो दोस्तों, मैं आज लेकर चली आई हूँ मेरे सभी न्यू परचेज की गई प्लांट जो मैंने आप सबको नर्सरी विजिट में दिखाई थी। लेकिन कौन कौन से प्लांट मैंने नर्सरी से परचेज किए हैं वो मैंने आप सबसे नहीं शेयर की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूँगी कि मैंने नर्सरी से कौन कौन से प्लांट्स को बाय किए हैं और क्या क्या मैंने बाय किए हैं नर्सरी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ चैताली, आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। तो वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मैंने बातें करते करते एक प्लांट को निकाल ली है पैकेट से और ये है दूसरी प्लांट। चलिए पहले मैं सभी प्लांट्स को प्लास्टिक से बाहर निकलती हूँ, उसके बाद बताऊँगी कि कौन कौन से प्लांट्स हैं और उसका प्राइस क्या लिए है। तो पहले धीरे धीरे से सभी बेबी प्लांट है ये, इसको निकाल लेते हैं। और नर्सरी से लाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिए थे सभी पैकेट्स में, तो इसलिए ये गीले हैं। ये देखिए पानी दिखाई भी दे रहे हैं। तो सभी निकाल लिए हैं, तो अब चलिए इसको हटाती हूँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने सभी प्लांट्स को निकाल लिए हैं। अब मैं एक एक करके आप सबको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये है पिटूनिया। पिटूनिया की मैंने तीन प्लांट्स लिए हैं। और दोस्तों, ये जो पिटूनिया है ये तीनों ही सिंगल पेटल वाले पिटूनिया हैं, और अभी मैं डबल पेटल वाले जो वैरायटी है उस प्लांट को नहीं लाई है, बाद में मैं लाऊंगी। और इतने छोटे से साइज़ में अगर आप आपके गार्डन में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, सिर्फ थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। और दोस्तों, एक एक पिटूनिया की प्राइस लिए है 15 रुपीज़। और दोस्तों, इससे भी बिग साइज़ के पिटूनिया मिल रहे थे तो मैंने वो नहीं ली है। अपने हाथों से छोटे से बड़े करने में प्लांट को बहुत ही मज़ा है इसीलिए। तो चलिए अब नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। इस साइड में है ये देखिए, ये है पेंजी। तो पेंजी भी मैंने ली है तीनों, और इस एक एक का प्राइस लिए है 15 रुपीज़। तो मैंने तीनों पेंजी लिए है इसीलिए 45 रुपीज़ टोटल। देखिए ये है दोस्तों ब्रोकोली। तो ब्रोकोली की एक प्लांट मैंने ली है, और फर्स्ट टाइम मैं ब्रोकोली मेरे गार्डन में ग्रो करूँगी, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन में इस ब्रोकोली प्लांट को ग्रो करूँगी। और इसका प्राइस लिए है 10 रुपीज़। ये है फ्लॉक्स, और ये है गैजेनिया। इस गैजेनिया की प्राइस लिए है 15 रुपीज़, और इस फ्लॉक्स की भी प्राइस लिए है 15 रुपीज़।
यानी कि ये जो सभी सेकंड पॉट वाले प्लांट्स है ये सभी 15 रुपीज़ में ही पड़े हैं, एक को छोड़कर इस ब्रोकोली को जो है 10 रुपीज़। और दोस्तों ये जो जारबेरा की प्लांट है इसका हेल्थ तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, लेकिन मुझे इसमें कौन से कलर की फ्लावर खिलेगी ये मुझे पता नहीं है। तो नर्सरी वाले भी ये बोल नहीं पाए हैं कि इस जरबेरा में कौन से फ्लावर खिलेगी। जो भी हो जरबेरा मुझे बहुत ही पसंद है, और एक बार ये खिलते हैं तो बहुत दिनों तक मेरे गार्डन की शोभा बढ़ाते जाती है, यानी कि इसकी फ्लावर्स बहुत दिनों तक प्लांट में रहते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। मेरे पास जारबेरा प्लांट थे लेकिन इस साल रेनी सीजन में बहुत ही ज़्यादा पानी की वजह से वो सभी प्लांट्स मर गए हैं। और इसकी प्राइस लिए है 40 रुपीज़, और ये है एग्लोनीमा, इसकी प्राइस लिए है 150 रुपीज़। तो कितने ब्यूटीफुल है देखिए, इसकी लिप्स की कलर पूरे डीप कलर में है, तो मुझे बहुत ही पसंद आए और मैं इसे इंडोर में रखूँगी। तो अभी मैं इस प्लांट को पॉट में नहीं लगाऊंगी, कुछ दिनों के लिए मेरे पास इस तरह ही रहने दूंगी, उसके बाद मैं इसको पॉट में शिफ्ट करूंगी। तो जब मैं पॉट में इस प्लांट को लगाऊंगी आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर ली है वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, मैंने पहले भी लाई है उनके वहाँ से, ये देखिए बहुत ही अच्छे है ये वर्मी कंपोस्ट, ये देखिए। और इसका प्राइस लिए है 1 kg 20 रुपीज़। तो मैंने जो फूलगोभी की प्लांट्स लाई थी छोटे छोटे, वो सभी मेरे ससुर जी ने लगा दिए है रातों को ही, तो चलिए उसको भी दिखाती हूँ कहाँ पर लगाए हैं। तो दोस्तों देखिए ये फूलगोभी की प्लांट्स को लगा दी है पॉट में, ये काम हम दोनों मिलकर कल ही कर लिए हैं। तो देखिए मैंने एक डज़न फूलगोभी की बेबी प्लांट लिए थी, तो सभी को मैंने यहाँ पर पॉट में लगा दिए हैं। तो किस तरह से मैंने इस फूलगोभी की प्लांट को लगाई है आप सबको मैं ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे एक लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबा देने से मेरे जितने भी वीडियोस आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू।